तो हेलो सिविल इंजीनियर पीबी स्ट्रक्चर का ये मेरा फोर्थ पार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट में मैं मॉडलिंग सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऐसे टोटल पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है जिसमें कि ये मॉडलिंग जनरेट किया हूँ उसके बाद यहाँ पे लोड वगैरह प्रोवाइड किया हूँ जैसे सेस्मिक लोड लोड डेड लोड लाइव लोड उसके बाद उसका मैं स्टील डिजाइन किया था उसका फोटिंग uh, का डिजाइन किया था तो ये सारे पार्ट अगर आपको देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा उसमें जाके आप ये पहले थ्री वीडियो को देख लीजिए जो कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप काम होता है क्या क्या डिजाइन कैसे होता है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ ये तीन वीडियो को पहले आप देख लीजिए उसके बाद हम चलते हैं ये फोर्थ वीडियो में ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है अभी आते हैं हमें फोर्थ वीडियो में फोर्थ वीडियो क्या है मेरा यहाँ पे मेरा ड्रॉइंग है मैं बताया था थर्ड वीडियो तक मेरा फुटिंग का डिजाइन कम्पलीट हो गया था आज हम ड्रॉइंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और शायद ही मेरा वो ड्रॉइंग और ये डिजाइन शायद वो मैच कुछ कुछ पार्ट मैच ना करे क्योंकि ये ड्राइंग में पहले बनाया था ये क्लाइंट को सबमिट कर दिया था बाद में उसको मैं डिजाइन किया था तो शायद ही वो मैच ना करे लेकिन वो जो प्रोसेस है ना वो सेम प्रोसेस में आपको डिजाइन करना है और डिजाइन रिजल्ट के हिसाब से आप ड्रॉइंग करना है ठीक है ना तो अगर हम ड्रॉइंग को एक्सप्लेन करेंगे तो आप इतना ड्रॉइंग आपको सबमिट करना पड़ेगा क्लाइंट को एक एक बता देता हूँ जैसे कि पहला हो गया आपका कॉलम एंड फुटिंग लेआउट सेकेंड हो गया आपका प्लिंथ बीम लेआउट उसके बाद हो गया आपका ये बेस प्लेट का लेआउट उसके बाद हो गया ये ब्रिक वॉल का लेआउट उसके बाद हो गया ये फुटिंग का डिटेल है ठीक ना ये फुटिंग जितना टाइप का फुटिंग होगा यहाँ पे तीन टाइप का फुटिंग है फुटिंग वन ये हो गया मेरा फुटिंग टू ये हो गया मेरा फुटिंग थ्री जितना टाइप का फुटिंग होगा फुटिंग का डिटेल उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ किया हूं यहाँ पे एक सेक्शन ए ए जो ट्रस्ट है ट्रस्ट का सेक्शन ए यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा सेक्शन करके ठीक है ये सेक्शन ए, ए ए है देखेंगे पे है इधर है ये देखिए ए ए सेक्शन तो ये हो गया आपका सेक्शन ए ए ठीक है ना ये स्टील पी बी का जो सेक्शन एक बनाया था मैंने उसके बाद यहाँ पे है ये आपका फर्स्ट फ्लोर क्योंकि ये डबल फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर एक है और फर्स्ट फ्लोर एक है तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फ्लोर प्लान ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है जहां पे आपका परलिन होगा परलिन में सेकेंडरी मेंबर मेंबर सारे होगा ओके okay. और मेन होगा उसके ऊपर जो होता है तो ये फर्स्ट फ्लोर का लेआउट उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर का ये भी फर्स्ट फ्लोर का लेआउट ये भी फर्स्ट फ्लोर ये भी फर्स्ट फ्लोर ये स्लैब के साथ है ये ये जो डेस्कसीट के ऊपर वाला लेवल है यहाँ पे लेवल लिखा है फाइव और ये हो गया फाइव तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको उसके बाद ये हो गया आपका इनक्लाइन रूम इनक्लाइन रूप ये वाला पार्ट ये जो इनक्लाइन पार्ट है ये इनक्लाइन पार्ट का ये डिटेल है उसके बाद ये हो गया आपका बीम बीम का का एक लेवल है lintel beam का layout है ये लेआउट उसके बाद हो गया ये सेक्शन हो गया आपका लेफ्ट राइट सेक्शन बी बी ओके तो ये सेक्शन है उसके बाद यहाँ पे हो गया फ्रंट एलिवेशन और रियर एलिवेशन मीन फ्रंट और बैक एलिवेशन है यहाँ पे ओके okay, उसका लेफ्ट और राइट का एलिवेशन यहाँ पे है फ्रंट और बैक टेलिविशन यहाँ पे उसके बाद ये हो गया आपका स्टेरकेस एंड लिफ्ट का डिटेल ये जो स्टील का जो स्टेयरकेस होगा और लिफ्ट होगा उसका डिटेल है और ये हो गया टोटल आपका बिल ऑफ मटेरियल जो क्वांटिटी हम बनाए थे उसका डिटेल है ये जितना भी सेक्शन यहाँ पे यूज हुआ है उसका यहाँ पे डिटेल गिवन है जैसे कि आपका वेट प्लेट का जो वेट होगा इतना के जी का होगा उसके बाद यहाँ पे फिर डिफरेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्लेट यूज होगा ये इतना होगा ओके और यहाँ पे ट्वेंटी नंबर ऑफ होल इतना होगा अठारह का इतना होगा नॉट इतना होगा तो ये यह डिटेल यहाँ पे गिवेल है ठीक है ना मैंने ये मेंशन हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस तो अगर एक एक हम देखेंगे तो पहला वाला जो ड्राइंग होता है वो होता है कॉलम एंड फुटिंग लेआउट प्लान कॉलम एंड फुटिंग लेआउट प्लान तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉइंग सीट नोट शीट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे लिखा है दिस ड्रॉइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ये मेरा नाम लिखा है ठीक है ना भुवनेश्वर नॉट बी कॉपीड और विच उट प्रियोर परमिशन परमिशन के बिना ये ड्रॉइंग कहीं पे वैलिड नहीं होगा ओके तो इसको कॉपी नहीं हो सकता बोलकर बोल यहाँ पे लिखा है तो जब भी आप क्लाइंट को सबमिट करें इसका हार्ड कॉपी निकाल लें उसमें आई एस फोर फाइव सिक्स जो फाउंडेशन डिजाइन के लिए फोर फाइव सिक्स आई एस एट डबल जीरो स्टील डिजाइन के लिए यूज किए हैं आई एस वन एट नाइन थ्री टूजेंड सिक्स के लिए यूज किए हैं एट सेवन फाइव पार्ट वन ये आपका डेड लोड के लिए यूज किया है आई एस एट सेवन फाइव पार्ट टू लाइव लोड के लिए यूज किएन थ्री लोड के लिए यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे विंड लोड का इफेक्ट ज्यादा होता है बिकॉज दिस लाइट वेट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एज टू 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 द इज नॉट स्केल यहाँ पे नॉट टू स्केल लिखा है क्योंकि कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे जो स्केलिंग पे जैसे कि ये जो अगर सेक्शन को मैं बोलूं देखिए ये एग्जैक्टली exactly ये प्लान सेक्शन है और ये हो गया उसका प्लिंग बीम का सेक्शन तो देखिए ये तो स्केलिंग के ऊपर है नहीं ओके okay, ये स्केलिंग है ये स्केलिंग नहीं तो कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे स्केलिंग पे है नहीं इसलिए यहाँ पे लिखा है द ड्रॉइंग इच नॉट टू स्केल ओनली रिटर्न डायमेंशन सेल बी फॉलोड ओके ऑल डायमेंशन आर इन फीट इंच ये गलत है ये मिलीमीटर पे है ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे हम चे क्योंकि आप एक बात बता दू आपको जब भी आप यहाँ पे एम MM एम लिख देता हूँ जब भी आप स्टील स्ट्रक्चर बनाए जो कि ट्रस हो गया या पीबी स्ट्रक्चर हो गया तो उसका डायमेंशन mm पे ही काम कीजिएगा क्योंकि उसका जो सेक्शन मिलता है आई जो स्टील वगैरह सेक्शन वगैरह जो मिलता है जैसे कि हो गया हमारा आई एस एम बी आई एस एच बी जो भी स्टील का सेक्शन मिलता है या प्लेट का थिकनेस सारे एम MM एम पे ही आता है ठीक है ना तो आपको इजी होगा अगर आप डायमेंशन को एम एम पे लेके करें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है तो फीट और इंचेस लेके करते हैं लेकिन स्टील का स्ट्रक्चर ऑलवेज में वो पी भी हो या ट्रस हो मैं मिलीमीटर पे लेके करता हूँ ताकि ड्रॉइंग करने में आ, आसानी होता है ठीक है ना तो आप एम पे ही कीजिएगा डिजाइन इच वैलिड फॉर नंबर ऑफ फ्लोर एच इंडिकेटेड इन द ड्रॉइंग जितना भी फ्लोर यहाँ पे मैं है उतना फ्लोर के लिए ये डिजाइन हो रहा है ऐसा है इसके ऊपर आप डिजाइन नहीं कर सकते

एच वो एस डी एफ ये कौन सा स्टील है ये जो रेनफोर्समेंट वाला स्टील है जो जो स्टील सेक्शन यूज होता है वो स्टील यहाँ पे नहीं है ये ऑल आर सी सी वर्क यहाँ पे लिखा है ओके तो आर सी सी वर्क के लिए एफ फाइव डबल जीरो और फाइव फिफ्टी और एम ट्वेंटी ग्रेड का कंक्रीट आपका यूज होगा ऐसे तो आपको एक नोट प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइटिल जो कॉलम ये जितना भी टैटल मिन्स किया ये ड्रॉइंग किसके लिए बनाए हैं उसका डिटेल यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि ये मेरा कॉलम फुटिंग का लेआउट प्लान है मैं दिखाऊंगा आपको वैलिड फॉर एग्जीक्यूशन ये अगर एग्जीक्यूशन लिख दे तो ये साइड में जाके एग्जीक्यूशन हो सकता है अगर किसको अगर सैंपल के हिसाब से आप दे रहे हैं तो यहाँ पे वैलिड फॉर सैंपल लिखिएगा ठीक है ना तो ये एग्जीक्यूशन के लिए ये सीट बनाया गया था ये पूरा प्रैक्टिकल ड्रॉइंग है इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिखा है दिस द बिल्डिंग इज डिजाइन फॉर जी प्लस वन बिल्डिंग हम सोच लेंगे स्टील बिल्डिंग है ये ठीक है ना पीबी बिल्डिंग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिजाइन है इसको सबमिट किया था ये क्लाइंट का नेम है उसके बाद प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है बेस्ट स्टील सेट लिखा है स्टील सेट का ये डिजाइन है लोकेशन भुवनेश्वर में एक लोकेशन है वहां पर यह बनाया था ठीक है ना और पेपर साइज ए वन है ड्रॉन बाय मैं अलग नाम प्रोवाइड किया हूँ अदरवाइज ड्रॉन भी मैं क्या हूँ और डिजाइन भी मैं क्या हूँ जो क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है तो एक टीम मेंबर दिखाना पड़ता है इसलिए मैं ये अलग अलग दिया हूँ और यहाँ पे ड्रॉइंग सीट ये वन टू थ्री ऐसे कंटिन्यू जाएगा जैसे कि पहला हो गया कॉलम एंड कूटिंग लेआउट यहाँ पे आपको कॉलम जैसे कि मेरा एक नंबर कॉलम जो कि सबसे छोटा होगा उसको कॉलम वन प्रोवाइड होगा जो इस इस्टर केस का जो चारों टाइप है ये कॉलम वन है ये कॉलम वन कॉलम वन कॉलम वन कॉलम वन और इसका कॉलम वन के साथ जो ये फुटिंग है कम्बाइंड फुटिंग फुटिंग वन मेंशन किया हूँ ठीक ना तो ये सबसे छोटा जो कॉलम होगा वो कॉलम वन होगा उसका साइजिस आगे हम देखेंगे उसका साइजिस भी मेंशन होगा आगे जाके तो ये हो गया मेरा कॉलम वन और कॉलम वन के साथ ये हो गया फुटिंग वन उसके बाद कॉलम टू कौन सा है ये वाला कॉलम टू ये लाइन का जो भी है और ये लाइन का जो भी है ये हो गया है कॉलम टू ये भी देखिए कॉलम टू और फुटिंग टू और फुटिंग का साइजेस पे गिवन है ये देखिए कॉलम फुटिंग 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 ये two, two. ये ये टोटल कॉलम 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 वन फुटिंग वन और ये बीच वाला जो है ये कॉलम थ्री कॉलम थ्री साइज सबसे बड़ा होगा तो इसलिए यहाँ पे कॉलम थ्री फुटिंग थ्री यहाँ पे मिल सकते और कॉलम के ऊपर ही किया है ये आई सेक्शन है कॉलम के ऊपर ही आई सेक्शन है ओके okay, ये बेस प्लेट है अगर कॉलम देखेंगे कॉलम के ऊपर ये हो गया आपका बेस प्लेट ये ये पहला हो गया ये फुटिंग फुटिंग के बाद ये हो गया आपका कॉलम कॉलम के ऊपर ये क्या है ये जो ग्रीन मार्क है ये हो गया आपका बेस प्लेट और बेस प्लेट में ये जो रेड मार्क का आई बना हुआ है ये आई सेक्शन है उसके बाद ये बोल्ट है इधर चार नंबर ऑफ बोल्ट इधर चार नंबर बोल्ट, बोल्ट आगे जाके उसका डिटेल हम देखेंगे और ये जो आपका बीच बीच में ऐसे ऐसे जो है और ये साइड ये साइड है ये आपका प्लेट है जो कि आई सेक्शन को स्टेबल करता है स्टेबल प्रोवाइड करता है तो ऐसा ही है आपका तीन है। तीन टाइप टाइप का का कॉलम है है ओके इसका लेआउट यहाँ पे बनाया गया है जैसे कि यहाँ पे ग्रिड नंबर प्रोवाइड होता है जैसे ग्रिड नंबर वन से लेके यहाँ पे ग्रिड नंबर फिफ्टीन तक है ठीक है ना और एक साइड अगर वन टू थ्री रखेंगे तो अनादर वन साइड आपको एबीसीडी रखना पड़ेगा एक साइड वन टू थ्री एक साइड एबीसीडी ऐसे प्रोवाइड हुआ है और ये ब्लॉक में हुआ है ताकि इसको जहां पे भी कॉपी करें या जहां पे भी एडिट करें सारे में आपका सेम ब्लॉक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा एडिट हो जाएगा ठीक है ना कुछ भी यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे जितना भी ये कॉपी हुआ है वहां पे आपका एडिट हो जाएगा उसके बाद सेकेंड हो गया आपका बीम लेआउट प्लान जो कि प्लिन बीम टॉप ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे लिखा है एट नाइनटी टू यहाँ पे लेवल मैं आपको कहां से यहां से यहां से मिलेगा देखिए जैसे कि ये आपका रोल लेवल हो गया माइनस एट नाइनटी टू प्लिन लेवल हो गया जीरो ओके ये देखिए आपका ये लेवल मेंशन है ये लेवल मेंशन है ये लेवल ये सारे देखिए ले, मैं लेवल मेंशन किया तो ये जो रोड लेवल होता है जो प्लिन लेवल होता है प्लिन को मैं जीरो कंसिडर किया हूँ और प्लिन से नीचे जो आया है आपका ये रोड लेवल है माइनस और जो टॉप लेवल है ये आपका प्लिंत लेवल है प्लिन जीरो उसके बाद ये ऊपर हाइट उसका है तो यहाँ पे लेवल कितना मेंशन है आपका प्लिन टॉप ऑफ कंक्रीट टॉप ऑफ कंक्रीट प्लिंथ का टॉप ऑफ कंक्रीट 892 लिखा है प्लिंथ का टॉप ऑफ कंक्रीट

जो प्लिन बीम का जो बॉटम है ये प्लिन बीम का टॉप है जीरो प्लिन बीम का अगर बॉटम लिखेंगे तो माइनस एट नाइनटी टू तो यहाँ पे अगर मैं बीओ सी लिखता हूँ बॉटम ऑफ कंक्रीट तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस एट नाइन्टी टू तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे और लिखता हूँ वाला लिखिएगा ये वाला टॉम लिखिएगा नहीं तो ये वाला टॉम लिखिएगा जैसे कि आपका प्लिन बीम का टॉप और प्लिन बीम का बॉटम यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इसको आप प्रॉपरली अरेंज करके इससे ये प्लीन बीम का लेवल हम मेंशन करेंगे तो जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उनको देखने में इजी होगा आई थिंक ये मेरा फाइनल ड्राइंग नहीं है इसलिए इसे गलत हुआ है ना तो मैं उसको एक्टिफाई करके उसको मैं सबमिट किया था उसके बाद यहाँ पे दो टाइप का प्लीन बीम है ये मेरा प्लीन बीम वन है ये प्लीन बीम टू है तो यहाँ पे देखते हैं प्लीन बीम वन ये पूरा डिजाइन पे आप इसको कीजिएगा ठीक है ना अगर मैं नहीं भी किया हूँ तो इसको डिजाइन पे कीजिएगा और डिजाइन के रजल के हिसाब से ये करते हैं तो ये प्लीन बीम वन प्लीन बीम वन मिस ये बीच वाला है ये वाला और आउटर फेस जो है और उसका डिटेल यहाँ पे बने वन का साइज जिस है दो सौ पचास बाय तीन सौ पचास दो सौ पचास बाय तीन सौ पचास डेप्थ ऊपर होगा तीन बार और नीचे होगा तीन बार तीन बार और तीन बार कोई एक्स्ट्रा बार यहाँ पे नहीं है ये प्लिंथ बीम वन तीन बार तीन बार और जो आपका स्टेरअप होगा आठ एम एम का छ इंच गैप में और सेंटर में होगा आठ एम एम का आठ इंच गैप में ये हो गया प्लिंथ प्लिंथ बीम बीम टू का भी साइजेस दो सौ पचास तीन सौ ओनली डिफरेंट क्या है वहां पे तीन बारह था यहाँ पे दो सोलह एक बारह दो सोलह एक बारह बारह की जगह यहाँ पे सोलह एमएम का मेन बार हुआ है उतना ही डिफरेंट है अदरवाइज साइजेस सेम है और स्टेरअप भी सेम सिक्स इंचेस और सेवन इंच पे ठीक है ना उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ये ड्रॉइंग टू हो गया उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉइंग थ्री ड्रॉइंग थ्री हो गया आपका बेस प्लेट का डिटेल जो मैं बेस प्लेट आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसका डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ये कॉलम वन का ये जो कि कॉलम वन का सेक्शन तो कॉलम वन में सीए वाला है तो इसका अगर डिटेल देखेंगे तो वो यहाँ पे उसको मैं क्या किया हूँ थोड़ा इसको स्केलिंग करके बड़ा किया हूँ ठीक है ना पांच टाइम स्केल कर दिया हूँ यहाँ लिखा है ये कॉलम वन का स्केल वन पॉइंट वन इज टू फाइव फाइव टाइम स्केल किया हूँ और में है। वो करके में डाला हूं। है। तो लेआउट आप तो में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे फुटिंग का साइज यहाँ पे ओनली कॉलम का ये मेरा कॉलम है ओके ये आर सी सी का कॉलम है ये जो है आपका ये आर सी सी का कॉलम है ठीक है ना यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है ये पी सी सी नहीं यहाँ पे लिखा नहीं है तो ठीक है ये मेरा आर का कॉलम है जो कि 400 सौ एम बाय छो एमएम का कॉलम है ठीक है ना और जो ये मेरा बेस प्लेट है ये जो ये ये जो ग्रीन कलर का जो मार्किंग है ये मेरा बॉटम बेस प्लेट है जो कि 250 ये 250 हो गया ये 350 और उसका जो ब्लेस प्लेट का जो थिकनेस होगा वो 25 एम mm एम का होगा ठीक है ना यहाँ पे और बेस प्लेट जहाँ पे है यहाँ पे एक पीसीसी का स्टार्टर देना पड़ता है आप नेट से देखते देखते हैं स्टार्टर क्या बोलते हैं स्टार्टर क्या बोलते हैं ठीक है ना स्टार्टर देना पड़ता है साइड में अगर उसका सेक्शन होगा तो दिखाता हूं मैं ये ये पीसीसी का स्टार्टर ये वाला ये वाला ये वाला पीसीसी का स्टार्टर दिया हुआ है ठीक है ना ये, ये तो कॉलम यहाँ पे एंड हो गया कॉलम एंड होने के बाद जितना साइज क्योंकि कॉलम का साइज इतना बड़ा है और जो पीसीसी सॉरी जो बेस प्लेट होगा वो छोटा होगा देखिए ये मेरा कॉलम है कॉलम इतना एरिया पे मेरा पीसीसी सॉरी मेरा बेस प्लेट प्रोवाइड हुआ है बॉटम का बेस प्लेट इतना एरिया में हुआ है तो जितना एरिया में, में मेरा बेस प्लेट होगा उतना एरिया में कॉलम का स्टार्टर होता है जो कॉलम जैसा होता है लेकिन छोटा सा कॉलम होता है जिसका साइजेस वो बेस प्लेट के साइजेस के साथ इक्वल होता है जैसे कि यहाँ पे 300 सौ एमएम चार सौ एम एम हंड्रेड एम एम का यहाँ पे मेरा स्टार्टर प्रोवाइड किया गया है ठीक है ना और स्टार्टर के ऊपर यहाँ पे मेरा बॉटम का बेस प्लेट आएगा बेस प्लेट के ऊपर मेरा यहाँ पे नॉट आएगा जैसे कि इधर इधर तीन तीन नॉट कॉलम वन का जो साइजेस है चार सौ बाई छो यहाँ पे तीन तीन छह नॉट नॉट आया है नॉट बोल्ट और उसका साइजेस वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है देखिए ये देखिए नॉट के ऊपर एरो मार्क देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर ट्वेंट ट्वेंटी फाइव एम एम एंकर बोल्ट ट्वेंटी एट एम एम होल्ड इन वाशर प्लेट ट्वेंटी एम एम होल्ड इन एंकर प्लेट ट्वेंटी एम एम होल्ड इन बॉटम बेस प्लेट तो ये जो बो, बोल्ट जो है ये जो सॉरी ये जो नॉट है ये नॉट का साइज है पच्चीस एम एम और उसके ऊपर ये जो बोल्ट होगा ये जो बोल्ट और ये जो वाशर प्लेट होगा उसका साइजस होगा अट्ठाइस एम एम का ठीक है ना तो यहाँ पे ये मेंशन हुआ है ट्वेंटी एम फाइव एम एम का ये बोल्ट का डायमीटर ओके और ये ऊपर जो ये नॉट होगा उसका साइजेस है अट्ठाइस एम एम तो यहाँ पे देखिए एमएम पे है इसलिए आपको एमएम पे रखना पड़ेगा और ये देखिए ये जो एक दो तीन चार ये चार जो दिया है जैसे कि प्लान में भी है एक दो और इधर एक इधर एक जो कि ये साइड में एक ये साइड में एक और बीच में दो ये क्या है आपका ये है आपका स्टिपनर प्लेट एट एम एम थिकनेस का ठीक है ना जो कि ये कॉलम को स्टेबल रखता है तो टू लोड ओके जो स्लाइडिंग ना होने के लिए वो आपका स्टेबल रखता है उसके बाद ये बेस प्लेट का साइज बोला था बेस प्लेट के नीचे रबर होता है ठीक है ना एक रबर प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टर होता है स्टार्टर के ऊपर एक आठ एम का रबर है रबर के ऊपर आपका बेस प्लेट प्रोवाइड किया गया जैसे कि बेस प्लेट और जो पीसीसी का जो स्टार्टर है उसके बीच में क्या होता है आपका एक रबर प्रोवाइड किया जाता है रबर प्रोवाइड इंसुलेशन का काम करता है रबर आपका इंसुलेशन का काम करता है इसलिए यहाँ पे एक रबर प्रोवाइड होता है ये देखिए अलग अलग सेक्शन कटा गया है जैसे कि एक्स एक्स सेक्शन ये और सेक्शन ये इसका आप स्क्रीन भी ले सकते हैं और उसको आप अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं और ये जो सेक्शन जो डाला गया है बीच में आई उसका डिटेल ये है जो आई सेक्शन जो कि ये 225 सौ पच्चीस का एक चीज बोल रहा हूँ पी स्ट्रक्चर में वैसे रेडीमेड वाला आई सेक्शन प्रोवाइड नहीं होता जैसे कि आई एस एम बी दो ऐसे रेडीमेड वाला यूज होता है ओनली ट्रस्ट मॉडल में जो ट्रस्ट होता है वहां पर रेडीमेड यूज होता है और जो पीवी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये क्या होता है सपोज ये दो सौ पचास है ये दो सौ पच्चीस है लेकिन इसको दो सौ पचास नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्लेट ये प्लेट और ये प्लेट को मेनुअली वहां पे वेल्ड किया गया है अलग अलग कटिंग किया गया है जैसे कि दो सौ पच्चीस का एक कटिंग किया गया है दो पीस और ये बीच वाला जो है पांच इंच थिकनेस का वो दो सौ पचास में कट किया गया है और बाद में इसको वेल्डिंग किया गया है ओके तो ये मेनुअली बनाया गया है आई सेक्शन

कॉलम वन वाला जो है ये कॉलम वन वाला आई थिंक प्लान है इसलिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हुआ ये कॉलम वन वाला ये कॉलम वन में जो आई सेक्शन लगा गया है वो एक्चुअली प्लान है बाकी सारे टेपर है हम देखेंगे आगे ये वाला देखिए ये मेरा क्या है ये मेरा कॉलम टू है शायद ये देखते हैं यहाँ पे कहीं पे देखे प्लान ऑफ कॉलम टू कॉलम टू कहाँ पे हम प्रोवाइड किए थे ये साइड में कॉलम टू था ये साइड में कॉलम टू था तो ये जो कॉलम टू है ना वो देखिए यहाँ पे टेपर है जैसे कि अगर हम नीचे से देखेंगे ऊपर की तरफ ओके okay, तो ये क्या हो गया नीचे हो गया तीन सौ एम का और ऊपर हो गया छो एमएम mm का उसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये देखिए ये साइड वाला जो था नीचे हो गया तीन सौ एमएम का और ऊपर आके आ गया ये छह सौ mm का ये टेपर सेक्शन लेफ्ट साइड वाला जो है आउटर फेस वाला पूरा प्लान है और इनर साइड वाला ऐसे टेपर होके हुआ है देखिए टेपर अगर इसको हम देखेंगे एग्जैक्टली टेपर आई दिखता कैसे वो आप नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं

वेल्डिंग हो के वहां पे मेनुअली बनाया जाता है जहां पे पीबी का टेपर सेक्शन यूज होता है वहां पे ये सेक्शन वगैरह सब मैनुअली बनाते हैं जैसे कि कॉलम में देखिए टेपर है बीम में भी टेपर है देखिए यहाँ पे विट्स ज्यादा है यहाँ पे देखिए वीड्स कम है फिर यहाँ पे व्इ्स कम होगा फिर इधर जा जाट्स बढ़ जाएगा तो देखिये बीम में भी व्इट वेरी करता है और कॉलम में भी आपका व्हीट्स वेरी करता है आप कोई भी सेक्शन यहाँ पे ले लो ओके जो तो टेपर पीबी होता है नॉर्मल पीबी एक होता है एक टेपर पीबी होता है देखिए कॉलम में कैसे वेरिएशन हुआ देखिए एक कॉलम में ज्यादा है सॉरी बीम में ज्यादा है और यहाँ पे देखिए बीम में बीमे कम हुआ है तो ऐसे सेक्शन वगैरह वो मेनुअली बनाते हैं ओके ऑन साइड पे वो मेनुअली बनाते हैं देखिए ये दो टाइप का अगर हम देखेंगे तो ये प्लेन वाला है ये टेपर वाला है ठीक है ना टेपर का यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है तो एक साइड तो पूरा प्लेन होता है एक साइड वो टेपर होता है तो ये टेपर सेक्शन वगैरह वो बनाना पड़ता है जैसे कि यहाँ पे टेपर बनाया गया है ये कौन सा टेपर है ये कॉलम थ्री का यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए सॉरी कॉलम टू का ये कॉलम टू का टेपर है और कॉलम थ्री भी टेपर है कॉलम टू का टेपर तीन सो से छह सौ है और कॉलम थ्री जो इन साइड में यूज हुआ है वो चार सौ से छह सौ है अलग अलग टेपर ये तीन सौ से छह सौ ये चार सौ से छह सौ अगर हम सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता चल ही जाएगा ये देखिए ये आउटर साइड में तीन सौ से छ सौ और इनर साइड में देखिए ये जो ये जो मैं प्रोवाइड किया हूँ ये देखिए मेरा 400 से लेके 600 तक यहाँ पे मेरा टेपर हुआ है जो कि बीच वाला जो टेपर है वो ओनली ग्राउंड में यूज हुआ है फर्स्ट फ्लोर तक वो कंटिन्यू नहीं हुआ है लेकिन जो आपका आउटर साइड में जो कॉलम है वो पूरा नीचे से जाके पूरा ऊपर तक गया और ज्यादा लोड आपका ये सेंटर वाला कॉलम रजिस्टर करता है इसलिए यहाँ पे टेपर का साइज बड़ा हुआ है तो ये डिटेल यहाँ पे वो बेस प्लेट वगैरह जो बताया था उसमें वो सेम कंसेप्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसके बाद आगे जाके ये हो गया मेरा ब्रिक वॉल पेरीफेरियल ये देखिए इधर एक बाउंड्री ब्रिक वॉल प्रोवाइड हुआ है ब्रिक वॉल को भी एक्सॉबिशन करके डाला जाता है जो क्लीन बीम जहां पे डालते हैं ना उसके नीचे ब्रिक वर्क करते हैं ब्रिक वर्क करने का फायदा ये है कि उसके अंदर अगर हम कुछ सैंड वगैरह फिलिंग करेंगे तो वो जो सैंड अंदर रजिस्ट होकर रहे वो बाहर तरफ ना आए इसलिए साउड में आप क्या करते हैं कि तो बाउंड्री वॉल प्रोवाइड करते हैं साइड में एक बाउंड्री दिया गया है और बीच में एक बाउंड्री दिया गया है तो ये एक पार्टीशन ये एक पार्टीशन हो गया और उस हाँ पे ऐसे आपका होता है जैसे कि अगर ये ग्राउंड लेवल है दो सौ पचास का एक दो सौ पचास का एक और हंड्रेड एम एम का यहाँ पे पीसीसी होता है उसके नीचे आप सैंड फिलिंग कर सकते हैं सैंड पीसीसी उसके बाद ये ब्रिक अप टू ग्राउंड तक ग्राउंड से ऊपर जितना भी आपका प्लिंथ का हाइट होगा अप टू वहां तक ब्रिक करना है और प्लिंथ का बीम का जो डेप्थ होगा वो तो माइनस कर देना है और वहां पे प्लिन का बीम प्रोवाइड होता है तो ऐसे ये पेरिफेरियल ब्रिक वाले यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किया गया है और उसके अंदर वो सैंड फिलिंग किया जाता है पीसीसी किया जाता है उसके बाद आगे आके ये हो गया मेरा फुटिंग का डिटेल जो मेरा तीन टाइप का कॉलम है जो कि और एक बार देख लेते हैं कॉलम 1 जो है वो है आपका 250 बाय 225 का कॉलम टू टेपर है जो कि 300 सौ बाय छह का 300 नीचे 600 सौ ऊपर हो गया 250 अलग अलग प्लेट बीच वाला प्लेट छह इंच 600 तक है और ये साइड वाला 10 एम एम का बीच वाला छ एमएम का ऐसे तीन टाइप के कॉलम है तो तीन टाइप का यहाँ पे फुटिंग है जैसे की पहला वाला मैं आपको दिखाया था लेआउट में ये फुटिंग वन है देखिए ओके ठीक है ना तो कम्बाइंड फुटिंग है चार टाइप का ये कंबाइन फुटिंग है कंबाइन फुटिंग का जो डेप्थ है वो चार सौ एम का डेप्थ का पीसीसी होगा कंक्रीट होगा ओके तो ये ये आपका ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल से नीचे स्काबिशन किया गया है अप टू इतना इतना एस्क होने के बाद यहाँ पे ये देखिए अगर जीरो होता है तो यहाँ से नीचे आएंगे तो वन माइनस वन डबल जीरो एम एम यहाँ पे स्काबेट हुआ है उसके बाद चार सौ एम एम का यहाँ पे आपका कॉन्क्रीटिंग हुआ है

अगर वहां पे अगर आपका बारह एम एम का रोड आया तो यहाँ पे बारह एम एम लिख सकते हैं स्पेसिंग अगर चेंज होता है तो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं तो आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा आपका डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा आपका ड्रॉइंग और जो साइड में जो आपका श्योर वाल प्रोवाइड किया गया है ठीक है ना श्योर वाल क्योंकि ये फुटिंग है ना ये मेरा फुटिंग लिफ्ट है ये आई थिंक लिफ्ट है थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे देखिए आपका ये लिफ्ट होगा ये प्लान मेंशन होगा ये देखिए आरसीसी वाल यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो बीच में आपका लिफ्ट प्रोवाइड किया गया इसलिए श्योर वाल है और उसका जो रेनफोर्समेंट है जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है यहाँ पे आठ एक सौ पचास का यहाँ पे अप्टू, अप्टू यहां तक होगा, उसके बाद तो ये कॉलम ही कास्टिंग कंटिन्यू होगा ठीक है ना ये देखिए अलग अलग सेक्शन उसका बनाया गया है ये आपका और ये वाला, वाला और ये सी वन वाला फुटिंग उसके बाद ये सेम फुटिंग टू का यहाँ पे डिटेल है ठीक है ना ये देखिए ये फुटिंग टू का ये कॉलम है ये फुटिंग है और जो रेंज फोर्समेंट डिटेलिंग है जो आपका कॉर्नर पे चार कॉलम रहेगा जो कॉलम रहेगा कॉलम पे ऐसे आपका रेंज रहेगा कॉलम कॉर्नर पे चार आपका सोलह एमएम mm का रहेगा और इंटरमीडिएट पे तीन तीन छः सात आठ नौ दस दस नंबर ऑफ बारह एमएम का इंटरमीडिएट रॉड रहेगा और उसका जो स्टिरऑफ होगा वो ऐसा कुछ रहेगा जो स्टीरऑफ होगा वो ऐसा कुछ रहेगा ये पहला हो गया ये मेन स्टीर

बोल्ट प्रोवाइड किया जाता है बोल्ट के ऊपर ये आपका ये, ये आपका स्टार्टर है स्टार्टर के ऊपर ये क्या है आपका ये रबर प्रोवाइड किया गया है रबर के ऊपर ये आपका बेस प्लेट है और बेस प्लेट के साथ ये एंकर बोल्ट को जब कॉलम का कास्टिंग होता है उस टाइम में ही ये इंस, इंस्टॉल किया जाता है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया था ये देखिए ये कॉलम का कास्टिंग के टाइम में ही ये एंकर बोल्ट को यहाँ पे अंदर इंसर्ट किया जाता है बाद में ये कॉलम सूखने के बाद यहाँ पे वो कॉलम को स्टैंड करके कॉलम okay, को स्टैंड करके यहाँ पे बोल्टिंग किया जाता है बेस प्लेट के साथ बेस प्लेट के साथ उसको बोल्टिंग वेल्डिंग uh, करते हैं उसके बाद बोल्टिंग करते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप का फोटिंग यहाँ पे इटेल है उसके बाद आ गया ये सेक्शन ए ए से यहाँ सेक्शन पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे यह जो सेक्शन ड्रॉ हुआ है येक्शन ए ए सेक्शन ए का डिटेल यहाँ पे है देखिए पूरा ये जो साइड में जो है टेपर सेक्शन वाला आई ओके okay. और बीच में भी टेपर आई साइड में भी टेपर आई तो साइड वाला जो था वो तीन सौ से लेके छह सौ तक था यहाँ पे देखिए तीन सौ से लेके ये ऊपर छह सौ तक है और उसका नाम यहाँ पे प्रोवाइड किया है सी जीरो फोर ओके इसका नाम जो है सी जीरो फोर सी जीरो फोर और ये सेंटर वाला है सी जीरो सिक्स उसका डिटेल हमको मिलेगा ये जो सेक्शन सिक्स तो वैसे नाम प्रोवाइड करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं बिल ऑफ मेटेरियल सी जीरो फोर का जो अगर देखेंगे ये देखिए एटम नंबर ये देखिए सी जीरो फोर सी जीरो फोर का ये ये सी जीरो फोर का ये तो उसके बाद सी जीरो सिक्स का सी जीरो सिक्स का ये तो ऐसे ही वहां पे आपको नेमिंग डालना पड़ेगा यहाँ पे चाहे तो उसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो ये उसका सेक्शन है और यहाँ पे नेमिंग आप ऐसे कह दीजिएगा जैसे नेमिंग आप करेंगे जैसे कि ये कॉलम जो है ये ये जो बीम है उसको मैं जीरो फोर दिया हूं ये बीम को जीरो फाइव तो ये साइड भी जीरो फोर जीरो फाइव पर है ठीक है ना और ये कॉलम है इसको जीरो वन किया हूँ ये सी में इस कनेक्शन ओके कनेक्शन जीरो फोर ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन का जीरो फोर है और ये अगर कॉलम को देखेंगे तो ये वन नंबर कॉलम ये टू नंबर कॉलम ये वन नंबर कॉलम तो ऐसे नेमिंग वगैरह दीजिएगा ये पूरा डिटेल जैसे कि एंगल कितना होगा ये पूरा डिटेल रहेगा तो ऑन साइट में एग्जीक्यूशन करने में इजी होता है ये देखिए ऊपर जो चैनल प्रोवाइड किया गया चैनल तीन और एटी का एट का जो भी सेक्शन यहाँ हाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है वो मेनुअली यहाँ पे बनाया है ओके पीवी स्ट्रक्चर का वो रेडीमेड वाला चैनल सेक्शन नहीं होता है एक्सपोर्टर डिजाइन ये देखिए पूरा एंगल वगैरह पे देखिए तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन है जैसे कि जीरो बोल्ट होगा ये जो नॉट बोल्ट है उसका डिटेल यहाँ पे है ये ट्वेंटी एम एम का होल फॉर एटीन एम नॉट एंड बोल्ट यहाँ पे लिखता है देखिए ये देखिए नॉट बोल्ट ये एक सेक्शन है ये एक सेक्शन है बीच में होता है क्या ये एक प्लेट एक प्लेट दो प्लेट मैंने ये सेक्शन के साथ एक प्लेट और ऊपर सेक्शन के साथ एक प्लेट को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे नॉट बोल्ड देते हैं और यहाँ पे भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे वो स्टिफनर प्लेट प्रोवाइड करेंगे जो कि हम स्टेबल रखा है यहाँ पे लिखा है देखिए स्टिफनर प्लेट एट एम का थिकनेस इसका ये एक व्यू है और ये एक व्यू है ये, 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 ये प्लान व्यू है ये सेक्शन व्यू है ये देखिए ये ऊपर चैनल प्रोवाइड किया गया है ये चैनल कौन सा ये वाला चैनल चैनल के ऊपर सीट होता है चैनल तीन सो नाइनटी आउ एट इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और वो चैनल को भी यहाँ पे बोल्टिंग किया गया है वो बोल्टिंग कौन सा बोल्टिंग है होल्ड फॉर बोल्ट एंड नॉट ये वाला ये उसका प्लेट है इसका ये देखिए ये पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है वैसे जितना भी यहाँ पे मैं सेक्शन मीन्स कनेक्शन दिया हूं ना वो कनेक्शन का यहाँ पे आपका डिटेल किया है कनेक्शन वन कनेक्शन टू कनेक्शन फोर ये देखिए कनेक्शन थ्री ये कनेक्शन फाइव और कनेक्शन सिक्स ओके जितना यहाँ पे कनेक्शन बनाया हूं उतना कनेक्शन का यहाँ पे डिटेल है अगर ये कनेक्शन फोर कनेक्शन फोर मिस ये वाला ये जो कनेक्शन फोर है कनेक्शन फोर का ये देखिए ये जो बीम है बीम के साथ कॉलम को कैसे कनेक्ट किया गया है वेल्डिंग करके सॉरी बोल्टिंग करके वो बोल्टिंग का डिटेल तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये आपको बनाना पड़ेगा मेनुअली और अगर आपके पास यह सैंपल होगा तो ये सैंपल से कुछ कुछ आप कॉपी कर सकते हैं और बनाने में भी आपको इजी होगा तो इसलिए आप इसको स्क्रीन ले सकते हैं और बाकी रहा उसको शेयर करने के लिए वैसे भी मैं डायरेक्टली एच फॉर द टॉर्म एंड कंडीशन अभी मैं उसको शेयर नहीं कर सकता जब तक मेरा फोर थाउजेंड व्यू नहीं होता है। अभी तक हुआ नहीं है तो इसलिए मैं अभी डायरेक्टली इसका प्रमोशन करके उसको मैं शेयर नहीं कर सकता आगे जाके ये मैं जितना भी है सारे को मैं शेयर कर सकता हूँ आगे जाके और कुछ टाइम के बाद आफ्टर टू थ्री मंथ के बाद में ये ड्रॉइंग वगैरह मैं जो भी बनाता हूं वो मैं शेयर कर सकता हूं लेकिन अभी तक तो उतना रेंच हुआ नहीं है तो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता उसके बाद ये होने के बाद ये हो गया मेरा क्या ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान यहाँ पे लेवल देख लीजिए फाइव थाउजेंड लेवल फाइव थाउजेंड लेवल मीन आपका यहाँ पे ये वाला ये जो लेवल है ये लेवल का आपको डिटेल यहाँ पे है ओके okay, ये जो लेवल जो है ये लेवल का प्लान यहाँ पे है क्योंकि इसमें देखिए आपका यहाँ पे देखिए एक एक, एक यहाँ पे आई सेक्शन प्रोवाइड किया गया है ये देखिए आई तो उसके ऊपर सीट प्रोवाइड होगा ना तो उसका लेआउट है ये वाला ये देखिए वो तो कितना नंबर ऑफ आई प्रोवाइड किया गया है ये यह यहाँ पे देखिए मेंशन है अगर काउंट करेंगे तो भी सेम ही आएगा देखिए अगर काउंट करेंगे तो देखिए बीच में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस इलेवन टर्टीन थर्टीन नंबर है बीच में देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इलेवन टर्टीन थर्टीन नंबर देखिए वो जो सेक्शन है वो यहाँ पे प्लान पे मेंशन किया गया है ओके okay. और उसमें जो डिटेल था वो डिटेल यहाँ पे भी है ये उसका लेआउट प्लान है यहाँ पे देखिए आप कनेक्शन कनेक्शन फाइव का है, सारे कनेक्शन फाइव और कनेक्शन फाइव का डिटेल यहाँ पे है देखिए ऐसे कनेक्शन सिक्स का कनेक्शन फोर का उसका डिटेल आप देख सकते हैं ये देखिए कनेक्शन फोर का यहाँ पे तो देखेंगे तो पे मिल ही जाएगा उसके उसके बाद ऊपर वाला जैसे कि यहाँ पे हो गया फाइव पॉइंट फाइव जीरो मीन सीट डालने के बाद सीट डालने के बाद ऊपर का जो लेयर है वो ऐसे ही डाल, डाला गया जाता है जो डेक होता है डेक सीट होता है डेक सीट के ऊपर कॉन्क्रीटिंग किया जाता है अगर हम देखेंगे सीट के ऊपर कॉन्ग्रीटिंग किया जाता है अगर नेट पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेक्स लाप ये देखिए ये Dexit, जो मैं सेक्शन दिखाया था जो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको सेव कर लेता हूं ये देखिए ये, ये, ये के ऊपर क्या होगा रेनफोर्समेंट यहाँ पे बिछाया जा, जाता है पहले डेस्कश वो पहले सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जो आई सेक्शन प्रोवाइड होता है आई सेक्शन के ऊपर ये डेस्कशीट प्रोवाइड होता है के के ऊपर ऊपर रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट बार बार होता है. Reinforcement बार के होता है है अगर उसको हम यहाँ पे देखेंगे उसका डिटेल देखेंगे तो ये देखिए तो ये देखिए ये, ये नीचे तो आपका सेक्शन प्रोवाइड किया गया है? ये जो स्टील का सेक्शन है ये जो ये जो ये जो स्टील का सेक्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि बेटर से आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो सेक्शन आप प्रोवाइड किया गया ओके ये तीन सौ एमएम का

8 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे मेस अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये 8 mm का होना चाहिए जो कि मेरा डिजाइन पे ये 8 mm का डायमीटर का रॉड होगा और दो रॉड के बीच में गेव होगा आपका 150 mm इधर 150 mm इधर 150 mm ओके ये प्रॉपर लैपिंग हुआ नहीं है. अगर इसको देखेंगे तो ये प्रॉपर लैपिंग हुआ नहीं है ये थोड़ा इंक्लाइन लग रहा है लेकिन आपको ये प्रॉपर्ली करना पड़ेगा कि एम एम का रोड होगा दोनों साइड से और उसका बीच में गैप होगा 150 mm का ये सीट के ऊपर ओके और ये होने के बाद एम एम का थिक है, mm है एक mm बहुत पतला होता है ये मार्केट में अवेलेबल होता है ये वाला ये वाला बनाना नहीं पड़ता है ये मार्केट में डेक्सिट अवेलेबल होता है उसका साइजेस आप देख उसकी के उसकी साइजेस के हिसाब से आपके के हिसाब से प्रोवाइड कीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे देखिए इंक्लाइन रूप का लेआउट प्लान इंक्लाइन रूप मीन आपका ये जो रूप होगा ये जो इंक्लाइन होगा इंक्लाइन रूप के ऊपर भी आपका यहां पे चैनल शिक्षण प्रोवाइड हुआ है चैनल के ऊपर आपका सीट प्रोवाइड होगा तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ चैनल है कितना सीट है उसका डिटेल आपको उसका ऊपर वाला प्लान पर मिलेगा यहाँ पे देखिए इतना नंबर ऑफ यहाँ पे आपका चैनल प्रोवाइड किया जाए ठीक है ना और उसके ऊपर ये आप देखिए आपका जो सीट है सीट के ऊपर यहाँ पे देखिए आपका चैनल है चैनल के ऊपर आपका यहाँ पे सीट प्रोवाइड किया गया है ठीक है ना ये देखिए ये देखिए चैनल बीच में दो चैनल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया देखिए दोनों साइड से और यहाँ पे एक एक चैनल है देखिए चैनल और उसका सीट तो उसका डिटेल यहाँ पे है ये देखिए इनक्लाइंट ओके okay. उसका भी यहाँ पे बोल्टिंग किया जाता है इसके ऊपर ये देखिए इसे दोनों साइड से वो बोल्टिंग किया जाता है और उसका पूरा डिटेल यहाँ पे गिवेन है ये देखिए इसको आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये देखिए एक एक साइड यहाँ पे दो साइड क्योंकि यहाँ पे दो चैनल यूज किया गया इधर एक उधर एक तो उसका यहाँ पे डिटेल गिवन है उसके बाद यहाँ पे हो गया लिंटेल बीम का लेआउट प्लान ये आप पे आपका क्या होता है ना लिंटेल बीम कहाँ पे प्रोवाइड होता है जहां पे आपका ये देखिए अगर हम देखेंगे तो वह जो स्टील सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे यहाँ पे स्टील सेक्शन उसके बाहर यहाँ पे ब्रिक वॉल हुआ है देखिए ये ये जो है ना ये क्लीन बीम जहाँ पे है ना यहाँ पे ब्रिक वॉल एक्जेक्टली जो स्टील का सेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा ये देखिए आई से आई तक स्टील होगा आई को कवर करने के लिए ओके बाहर स्टील सीट प्रोवाइड किया नहीं गया है ब्रिक का वाल स्टील सीट रूप में प्रोवाइड किया गया है और साइड में आपका ब्रिक का वाल हुआ है देखिए ये कॉलम से, बा, से बाहर आई सेक्शन से बाहर यहाँ पे आपका ब्रिक का वॉल होगा ये देखिए पूरा बाहर ये साइड में भी बाहर देखिए ये जो स्टील का सेक्शन है उसके बाहर यहाँ पे बीम प्रोवाइड किया गया है ताकि इसलिए कॉलम साइज को बड़ा करना पड़ा ये कॉलम को बड़ा करेंगे तभी जाके इधर एक जाकेम होगा इधर एक होगा बीम होगा बीम के ऊपर वाल होगा तो वाल में क्या होगा यहाँ पे आपका ये वाल, वाल के ऊपर आपका क्या होगा बीच में हम लिंटेल प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये दस कितना फीट का है यहाँ पे देख लेते हैं ये चार पॉइंट पांच मीटर का इनर टू इनर अगर देखेंगे तो तो बीच में एक लिंटेल बीम वो प्रोवाइड करने के लिए आपको पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए ये बीच में यहाँ पे ये ये जो है लेवल है

ये यह देखिए यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा ये हाईलाइटिंग किया गया यहाँ पे होगा और इधर दो शटर है इधर एक शटर है इधर एक शटर है फ्रंट में एक दो तीन चार फ्रंट में चार शटर है ये ये प्लान को देखिए ये एलिवेशन को देखिए फ्रंट एलिवेशन एक दो तीन चार और ये देखिए ये लिंटल है यहाँ पे ये लिंटल गिरा डाला जाएगा और यहाँ पे चाजा निकलेगा तो यहाँ पे चार लिंटल है और अगर साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पे दो लिंटल ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में कुछ है नहीं और ये आपका लिंटल है लिंटल तो होल ओवर होगा लेकिन जहां पे आपका शटर है वहां पे आपका चाजा प्रोजेक्शन निकलेगा जैसे कि आपका यहाँ पे डाला गया ये चाजा प्रोजेक्शन वाला और बाकी जगह पे ऐसे प्लान होगा तीन बारह तीन बारह दो सौ पचास बाय दो सो पचास का और जो चाजा प्रोजेक्शन निकलेगा वो सेवन एटी टू का प्रोजेक्शन निकलेगा आउटर साइड सेवेंटी फाइव एम mm एम थिकनेस इनर साइड हंड्रेड एम mm एम थिकनेस स्लोप बजे सा रहेगा और ये आठ एम एम सिक्स इंचस का गैप ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जाके मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और मैं ये चैनल पे डालूंगा वो भी आप देख सकते हैं लेकिन ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्योंकि अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है थर्टी परसेंट कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट और सेवेंटी परसेंट आपका बाकी है ये पूरा कम्प्लीट होने के बाद ही मैं जाके एक कम्प्लीट वीडियो बना के मैं मेरे चैनल पे डालूंगा तो वहां पर भी आप देख सकते हैं आगे जाके इसलिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बाद ये देखिए लेफ्ट एलिवेशन राइट एलिवेशन जो आपको दिखाया था ये यहाँ तक तो पूरा ब्रेक होगा ऊपर यहाँ पे सीट होगा ओके यहाँ तक तो पूरा ब्रिक ऊपर सिक्स तो कहां तक ब्रिक होगा यहाँ पे देखिए ये आ, से यहां पे है ये एक मैं नहीं क्या हूं। यहां पे और एक आपको करना कहां तक आपका होगा? जैसे कि ये जो फाइव पॉइंट डबल जीरो लेवल से लेके आपको यहाँ तक ऐसे एक डायमेंशन आप प्रोवाइड कर दीजिएगा ये वन फोर नाइन नाइन जो है हाइट वहां तक आपका ब्रिक होगा और ब्रिक के ऊपर आपका सीट यहाँ से लेके पूरा यहां तक आपका ये सीट डाला जाएगा ये देखिए ये 2955 तक यहां पे आपका सीट होगा अब यहाँ तक होगा आपका ब्रिज एज फॉर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये और ये जो क्रॉस है ये ये किसका क्रॉस है ये वाला ये जो क्रॉसिंग है ये क्रॉसिंग किसका है साइड व्यू का साइड व्यू अगर देखेंगे उसका अगर हम फ्रंट व्यू देखे थे फ्रंट व्यू कौन सा था अच्छा ये साइड व्यू भी इधर था मैं आपको बोला नहीं था फ्रंट भी देखेंगे तो ये फ्रंट है अगर हम साइड वाला देखेंगे ये साइड है और ये साइड वाला तो साइड में ऐसे आपको ब्रेसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पे आपका आत्मिक जोन होता है जहाँ पे साइक्लोनिक जोन होता है ओके ऐसे ब्रेसिंग प्रोवाइड करने में क्या होता है ना वो स्टेबल प्रोवाइड करता है ये दोनों सेक्शन के बीच में एक स्टेबिलिटी देगा ठीक है ना तो ये हैवी अमाउंट ऑफ द वाइब्रेशन लोड को रजिस्ट करने में इजी होता है और आपको पता है भुवनेश्वर उड़ीसा जो कि साइक्लोनिक जोन एरिया है यहाँ पे हर साल साइक्लोन आता है और साइक्लोन की वजह से स्टील स्ट्रक्चर लाइट वेट स्ट्रक्चर ज्यादा डैमेज होता है और वो डैमेज ना हो उसको रजिस्ट कर पाए इसलिए मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पांच, पांच नंबर ब्रेसिंग प्रोवाइड किया हूँ और कहाँ पे ब्रेसिंग डाला नहीं हूँ जहाँ पे मेरा शटर है अगर देखेंगे तो देखिए मैं ब्रेसिंग ऐसे डाला हूँ फर्स्ट पे ब्रेसिंग डाला हूँ सेकंड पे डाला नहीं हूँ क्योंकि सेकंड पे मेरा सटर आएगा ब्रेसिंग कर देंगे तो सेकंड पे शटर कैसे प्रोवाइड करेंगे सटर को छोड़ के देखिए आपका ये सटर को देख के ही ये मैं ब्रेसिंग डाला हूँ साइड पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मैं दोनों साइड पे

ये आपका स्क्वायर सेक्शन होगा स्क्वायर सेक्शन मेनुअली बनाया जाएगा रेडीमेड कुछ भी नहीं है सब कुछ मेनुअली बनाया गया है ऐसे ब्रेसिंग होगा ओके okay, ये जो ब्रेसिंग है उसका थोड़ा यहाँ पे मैं एनलार्ज करके ये ब्रेसिंग को डाला हूँ यहाँ पे सेम नॉट बोल्ट का कनेक्शन होगा सेम स्टिपनर प्लेट होगा ओके okay, अगर इसको भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेसिंग स्टील ब्रेसिंग और पीबी बी पी बी ब्रेसिंग ब्रेसिंग हम मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए जो से ब्रेसिंग हुआ है ये ये देखिए ये जो ब्रेसिंग किया गया है यहाँ पे अलग सेक्शन है शायद ये पाइप सेक्शन है लेकिन हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे स्क्वायर का ब्रेसिंग करेंगे स्क्वायर ब्रेसिंग देखते हैं अगर मिल जाएगा तो अच्छा है स्क्वायर सेक्शन का ब्रेसिंग ठीक है वो ढूंढना पड़ेगा ठीक है इसको देख लीजिए ये स्क्वायर के जगह ये सर्कुलर के जगह हम स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे ब्रेसिंग प्रोवाइड किया गया है कॉलम टू कॉलम ये देखिए तो ये देखिए ये पाइप वाला ब्रेसिंग है ये देखिए दिख रहा है ये ऊपर में ब्रेसिंग है नीचे ब्रेसिंग है मेरा खाली नीचे नीचे ब्रेसिंग है ओके ये देखिए ये जो ब्रेसिंग है ये ब्रेसिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे ब्रेसिंग ब्रेसिंग डाला गया है और ब्रेसिंग देखिए जहां जहां पे चाहिए वहां वहां पे ब्रेसिंग है साइड रनर नहीं है क्योंकि उसके बाहर हम क्या करेंगे ब्रिक का वॉल देंगे यहाँ पे कोई स्टील का सीट नहीं होगा इसलिए साइड रनर हमको नहीं चाहिए साइड रनर किसको बोलते हैं अगर हम देखेंगे तो ये वाला साइड रनर है कौन सा वाला अगर हम अच्छे से देखेंगे ये वाला ये जो प्रोवाइड हुआ ये वाला ये वाला ये वाला देखिये ब्रेसिंग भी है और ये 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 साइड रनर प्रोवाइड किया करता है तो सीट को वहां पे बोल्टिंग करते हैं सीट को यहाँ पे एंकर करते हैं लेकिन यहाँ पे तो मेरा कोई सीट नहीं है मेरा ब्रिक का वॉल है इसलिए मैं साइड रनर नहीं चाहिए ओनली ब्रेसिंग चाहिए

लिफ्ट और स्टारकेस जो है वो यहाँ पे देखिए ये आउटर साइड में स्टारकेस और बीच में आपका लिफ्ट और उसका डिटेल यहाँ पे देखिए यह स्टारकेस का डिटेल यहाँ पे ये यह देखिए स्टारकेस स्टील का स्टारकेस ये देखिए आपका ये प्लेट प्रोवाइड किया गया है और प्लेट के साथ ये बोल्टिंग किया गया है ओके ये जो स्टेप वगैरह है ये आपका प्लेट से स्टेप बनाया गया है ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ये ये चेकर चेकर प्लेट प्लेट से जो राइजर है सॉरी जो ट्रेड है वो बनाया गया है राइजर यहाँ पे है नहीं कुछ राइजर बनाया नहीं गया है यहाँ पे ओनली ट्रेड दिया गया है और बीच में आपका गैप रहेगा तो जो ट्रेड है वो सिक्स इंचेस का विसो पचास वन फाइव डबल जीरो एम एम का यहाँ पे विथ का यहाँ पे उसका विथ होगा ये चेकर प्लेट से बनाया गया है चेकर प्लेट का विस्ट का स्टेप होगा और उसके साथ जो दो बोल्टिंग किया जाएगा अगर हम अगर अच्छे से देख पाएंगे तो देखते हैं स्टील स्टील ये देखिए ऐसे ऐसे प्लेट प्रोवाइड किया गया है ये जैसे दिख रहा है इसको मैं डाउनलोड करता हूं ये देखिए ऐसे आपका प्रोवाइड किया गया ये चेकर प्लेट से प्रोवाइड किया गया और बीच में दो बोल्टिंग यहाँ देखिए ये जो होल है यहाँ पे दो बोल्टिंग किया गया है ऐसे बोल्टिंग ओके ये चेकर प्लेट देखिए यहाँ पे ओनली राइजर यहाँ पे ओनली ट्रेड है राइजर है नहीं और यहाँ पे देखिए दो बोल्टिंग किया गया ये जो होल दिख रहा है ना ये बोल्टिंग है और वो सेम बोल्ट यहाँ पे देखिए एक बोल्ट दो बोल्ट और ये एम टेन का नॉट और बोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है दो दो शायद ही वो पूरा सेम टू सेम ऐसे ना दिखे लेकिन कंसेप्ट ऐसा ही कुछ है ठीक है ना लाइट वेट के लिए हो सकता है वो मेरा हैवी okay, है। है जैसे था अगर आप देखेंगे उसका ये सेक्शन में ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे दो तीन चार जो भी यहाँ पे नेमिंग प्रोवाइड में किया हूँ उसी सेक्शन का यहाँ पे जैसे एक में क्या हुआ है आपका सिंगल पेपर प्रोवाइड किया गया है ओके जैसे की छह सौ एम एम का टू में डबल टेपर तो वहां पे जैसे प्रोवाइड किया उसी हिसाब से कॉम पर प्लेट प्रोवाइड किया हूँ उसका लेंथ कितना है कितना नंबर होगा ओके प्लेट का थिकनेस कितना है जिसकी प्लेंच टेन एम का वेब सिक्स एम का ठीक है ना और उसका एरिया कितना है दस एम mm का एरिया कितना है सिक्स एम का एरिया कितना है यूनिट वेट ऑफ द प्लेट दस एम का यूनिट वेट आठ एम का पाँच एम mm का तो जो जो भी यहाँ पे यूज हुआ है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल क्वांटिटी आपका यहाँ पे निकला है तो उसी हिसाब से जो भी सेक्शन वहां पे प्रोवाइड किया हूँ आइटम नंबर यहाँ पे उसी हिसाब से रखिएगा ये देखिए ये कनेक्शन के लिए और फाइनली उसका क्वांटिटी यहाँ पे निकला है वेट 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 इन 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 ऑफ ऑफ प्लेट प्लेट ओके ये सेक्शन वाला प्लेट है और ये मेंबर वाला प्लेट है ये मेंबर सेक्शन ये मेंबर वाला देखिए नंबर जो है मेंबर वाला ये जो नंबर है ना ये सेक्शन वाला है जो कनेक्शन वाला कनेक्शन जीरो वन कनेक्शन जीरो टू कनेक्शन में भी आपका प्लेट यूज होगा वो कनेक्शन का वेट टोटल आपका आएगा यहाँ पे लिखा है देखिए दस एम एम का इतना आठ एम एम का इतना छम mm का इतना और जो मेन मेंबर है उसमें दस एम mm का इतना आठ एम mm का इतना पाँच एम mm का इतना छः एम mm का इतना इसको टोटल को प्लस करके वो मार्केट से परचेस कर सकते हैं और ये हो गया आपका बोल्ट कितना बोल्ट होगा ट्वेंटी एम mm का इतना होगा अठारह एमएम mm का इतना होगा और दस एम mm का जो कि स्टेयरकेस में यूज हुआ है वन फोर्टी एट नंबर होगा तो यहाँ पे इसको देख के मार्केट से परचेस कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं हूँ एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं तो ये जितना भी आपका निकला है इसमें आपको टू परसेंट से लेकर फाइव परसेंट आपको ज्यादा डालना पड़ता है बिकॉज जो ऑफ वेस्टेज वेस्टेज होता है तो वो एज पर क्लाइंट वो बोला ठीक है हम इतना परचेस करेंगे बाद में अगर नेसेसरी होगा तो एंडिंग पार्ट में हम एक्स्ट्रा हम मंगा सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो वहां पे केयरफुली वो लोग उसको यूज करेंगे ताकि वेस्टेज कम हो जितना वेस्टेज कम होगा उतना इससे ज्यादा मंगाना ना पड़े फिर भी आप दो परसेंट से पाँच परसेंट तो वेस्टेज हो ही जाता है आप मंगा सकते हैं तो ये हो गया मेरा स्टील का क्वांटिटी तो इतना आपको ड्रॉइंग एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह था यहाँ पे है है ठीक से मैं काउंट नहीं किया फिफ्टीन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है तो इतना सीट आपको पीडीएफ करके क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है ये देखिए ए वन सीट जो बड़ा सीट होगा वो ए होगा अगर कुछ छोटा सेक्शन अगर निकला तो उसको आप छोटा देख सकते हैं सारे ए है ये ये ए थ्री है ये ये सेक्शन जो है ये दो ए थ्री में प्रोवाइड किया गया ये देखिए ए वन में जो बड़ा है वो उसको ए वन में ए वन ए टू ए थ्री ऐसे आपको आपको इसको पीडीएफ करके सबमिट करना पड़ता है तो आई होप ये ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं और अगर ये फाइल आपको चाहिए तो फाइल तो अभी मैं सेंड नहीं कर सकता बिकॉज ये रूल के खिलाफ होगा mm -hmm. आगे जाके जब मेरा वॉच टाइम फोर थाउजेंड आवर हो जाएगा उसके बाद मैं चाहूँ तो ये फाइल को मैं शेयर कर सकता हूँ तो ये दो तीन महीना में आई थिंक हो ही जाएगा तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डोंट वरी कुछ टाइम के बाद ये फाइल को मैं शेयर करूंगा ठीक है ना वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू